हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और इससे बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस शिक्षा नीति से क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान अथवा चैलेंजेज हो सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम इस वीडियो में इससे स्कूलिंग और हायर एजुकेशन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन से बदलाव आएंगे, यह भी जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस नई पॉलिसी से रिलेटेड कई सारी पहलुओं की जानकारी मिलेगी जो आपके बड़े ही काम की होगी, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, शिक्षक हैं या फिर कोई शिक्षण संस्थान से जुड़े व्यक्ति हैं। तो चलिए अब ज्यादा देरी ना करते हुए उन नई पॉलिसीज को एक एक करके बड़े ही आसान भाषा में जान लेते हैं। स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में क्या क्या मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं, यह जानने से पहले चलिए जल्दी से यह जान लेते हैं कि हमारे देश में आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कब कब ऐसे मेजर एजुकेशनल रिफॉर्म्स पहले भी हुए हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन रिफॉर्म हमारे देश में सन 1948 में हुआ था। ठीक आज़ादी के बाद नई शिक्षा नीति लाई गई थी। उसके बाद अगर भारतीय शिक्षा की विकास यात्रा में प्रमुख बदलाव की बात की जाए तो सबसे पहले 1968 में कोठारी आयोग की सिफारिश पर एक समिति बनाई गई थी। उसमें एजुकेशन को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया था, जिसमें 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य करने का लक्ष्य और शिक्षकों का बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर फोकस किया गया था और साथ ही माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र यानी कि थ्री लैंग्वेज रूल्स लागू करने का आह्वान किया गया था, जिसमें पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश और तीसरा वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेज में शिक्षा देने की बात कही गई थी। इसके बाद जो थर्ड मेजर रिफॉर्म्स आया वह आया 1986 में, जिसमें असमानताओं को दूर करने का विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, पिछड़े समुदायों, अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी पर विशेष जोर देने का उद्देश्य था। इस नीति में प्राइमरी स्कूल्स को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था और इस नीति में ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम का भी विस्तार किया गया था और साथ ही इस नीति में ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण भी बात हुई थी। उसके बाद 1986 में बने शिक्षा नीति में संशोधन करते हुए देश में बिजनेस और टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए ऑल इंडिया लेवल पर एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाने का उद्देश्य रखा गया था, जिसके बाद से ही JEE, AIEEE, SLEEE जैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की नीति लागू हुई। इससे छात्रों और उनके अभिभावकों पर फिजिकल, मेंटल और इकोनॉमिकल बर्डन भी कम हुए और अब 2020 में 34 वर्षों की लंबी समय के बाद बहुत ही बड़े मेजर रिफॉर्म्स किए गए हैं। तो इससे पहले कि हम उन रिफॉर्म्स के बारे में जानें, चलिए जान लेते हैं कि आखिर इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी। इस नई पॉलिसी को हमारा देश जो अब 21st सेंचुरी में प्रवेश करने वाली है उसके जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन फाउंडेशनल स्तंभों पर आधारित है, जिसमें शिक्षा की पहुँच, एसेस, समता, इक्विटी, गुणवत्ता, क्वालिटी, वहनीयता, अफोर्डेबिलिटी और उत्तरदायित्व मतलब अकाउंटेबिलिटी जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह पॉलिसी 2030 तक भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा साथ ही भारत को वेरिएंट नॉलेज सोसाइटी और एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में विकसित करने के लक्ष्य के साथ तैयार किया गया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बोथ स्कूल और कॉलेज एजुकेशन को और अधिक समग्र यानी होलिस्टिक, लचीला यानी फ्लेक्सिबल और बहुयामी मतलब मल्टीडिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, जिससे कि बच्चों में जो यूनिक कैपेबिलिटीज हैं वह बाहर आ सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी के फाइंडिंग और उनके रिकमेंडेशन के आधार पर बने फ्रेमवर्क पर फाइनली इंप्लीमेंट हुआ है। आपको यह बताते चलूं कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन एक बहुत ही प्रसिद्ध और खास करके इसरो जैसे संस्थानों के हेड रह चुके हैं और साथ ही वह बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज के चांसलर भी हैं और इन्होंने बहुत सारी कमिटीज को भी लीड किया है, इसलिए इनके और कमिटी के बाकी एजुकेशनलिस्ट यानी शिक्षाविदों की फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इस शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार करने में इनका बहुत ही अहम योगदान है। इस नई शिक्षा नीति को लाने से पहले इस पर वर्ष 2015 से ही गहन चिंतन और बहुत सारे लोगों की भी राय ली गई है, जिसमें करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6600 ब्लॉक्स, 6000 ULPs और 676 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। तो चलिए अब हम स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में हुए उन बदलावों को एक एक करके जान लेते हैं।
आप अब तक या देखते आ रहे होंगे कि हमारे देश में शुरुआत के 3 वर्षों तक जब बच्चे किसी आंगनबाड़ी या प्ले स्कूल में जाते हैं तो उनका कोई करिकुलम या सिलेबस नहीं होता है। तो अब इस नई शिक्षा नीति के अनुसार उन प्रारंभिक 3 वर्षों का भी करिकुलम होगा, सिलेबस होगा। हालांकि यह एक्सपीरियंशियल बेस्ड प्ले या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई कुछ भी पढ़ा रहा है, अब चीजें स्ट्रीमलाइंड होगी, उनके करिकुलम्स को निर्धारित किया जाएगा और प्री प्राइमरी से लेकर ग्रेड 12 तक के सिलेबस को यूनिवर्सलाइज किया जाएगा, जिससे कि हमारी जो 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है उसे भी अचीव करने में मदद मिलेगी। अब हम जान लेते हैं स्कूल एजुकेशन के उन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में जो अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब तक भारत की स्कूलिंग शिक्षा व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी, यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो शुरुआती 3 साल की पढ़ाई होती थी, जिसमें हम अपने बच्चों को आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल या किंडरगार्टन में भेजते थे, इन 3 वर्षों का कोई करिकुलम नहीं था, कोई सिलेबस नहीं था, जिसे जो पढ़ाना है पढ़ा रहे थे। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में अब बहुत ही बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। अब स्कूलिंग शिक्षा व्यवस्था को 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इसमें जो स्टार्टिंग के 5 साल हैं, यानी जब बच्चा 3 साल से 8 साल के बीच होता है, उस स्टेज को फाउंडेशनल स्टेज माना जाएगा, यानी कि इस दौरान छात्रों की मजबूत नींव तैयार की जाएगी और इसका करिकुलम NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें प्री प्राइमरी कक्षा के 3 वर्ष और कक्षा 1 और कक्षा 2 के 2 वर्ष शामिल होंगे। ये जो शुरू के 3 साल हैं, जिसे हम प्री नर्सरी, नर्सरी और KG बोलते हैं, अब इनका भी एक निर्धारित करिकुलम या सिलेबस होगा। पहले इन शुरुआत की 3 सालों की पढ़ाई का कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं था, क्योंकि पहले यह डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के कंट्रोल में ही नहीं था। इसलिए पहले पेरेंट्स पर भी यह प्रेशर नहीं था कि उन्हें अपने बच्चों को प्ले स्कूल या आंगनबाड़ी में भेजना ही है। कई सारे बच्चे तो सीधा क्लास 1 से पढ़ाई स्टार्ट करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इनका भी करिकुलम स्पेसिफाई किया जाएगा, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है या कोई पब्लिक स्कूल है, अब सभी को इस नए नियम का पालन करना होगा। ये शुरुआत के जो 5 साल है, जिसे फाउंडेशनल स्टेज कहा जाएगा, उनका जो करिकुलम होगा वह मल्टी लेवल प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर आधारित होगा, जिसके तहत बच्चों को खेल कूद और अन्य गतिविधियों के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। यानी कि इन कक्षाओं में छात्रों के लिए किताबों का बोझ अब पहले जितना नहीं होगा। और दूसरा जो इसमें एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया है कि जो बुनियादी शिक्षा होती है, जब बच्चे 6 से 9 वर्ष के होते हैं, मतलब कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के बच्चे को, अब यह फोकस किया गया है कि यह बच्चे बेसिक लिटरेसी, यानी कि वह चीजों को पढ़ना लिखना सीख जाए, मतलब उन्हें भाषा ज्ञान हो जाए, और बेसिक न्यूमेरेसी, यानी जो संख्या ज्ञान होता है, वह सीख जाए। इसके लिए एक नेशनल मिशन भी सेटअप किया जाएगा, जिसका सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस रहेगा कि पूरे देश में क्लास 3 तक के सारे बच्चे फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी को अचीव कर ले, यही उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। और इसकी वह देश भर में ट्रैकिंग भी करेंगे। यहां थोड़ा किताबों पर भी इम्फेसिस होगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि बच्चे और भी तरीकों, जैसे एक्टिविटी एंड प्ले बेस्ड लर्निंग से चीजों को सीखें, और फाउंडेशनल स्टेज में उन्हें एथिक्स के बारे में भी बताया जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, उनके बिहेवियरल और इमोशनल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा। टीम वर्क कैसे करना है, कोलैबोरेशन कैसे करना है, नेचर के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसको कैसे मेंटेन करना है, यह सब भी सिखाई जाएगी। और साथ में आर्ट्स, क्राफ्ट्स, म्यूजिक भी सिखाया जाएगा, और बच्चे के मन की जो क्यूरियोसिटी है उसको भी डेवलप किया जाएगा। तो यह सब भी उन्हें फाउंडेशनल ईयर्स में सिखाया जाएगा। और अब एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अब फाउंडेशनल ईयर्स में, मतलब कि प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 2 तक, अब कोई एग्जाम्स नहीं होंगी, अब एग्जाम क्लास 3 से स्टार्ट होगी। यह बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, इससे बच्चों पर मेंटल स्ट्रेस कम पड़ेगा। 8 साल तक की उम्र के बच्चों पर अब एग्जाम्स का प्रेशर नहीं होगा, और उन्हें बहुत ही इनोवेटिव तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। फाउंडेशनल स्टेज के बाद अब 3 साल की प्रीपरेटरी स्टेज होगी, जिसमें 8 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे, मतलब कि क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक की पढ़ाई होगी। यहाँ पर डिस्कवरी, प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और इंटरेक्टिव क्लासरूम पर फोकस किया जाएगा, मतलब कि बेसिक खेलकूद के साथ बच्चों को चीजों को सिखाई जाएगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ कही गई है कि अब फाउंडेशनल स्टेज और प्रीपरेटरी स्टेज, यानी कि क्लास 5 तक, अब आपको आपकी मातृभाषा, यानी कि आपकी मदर टंग या लोकल और रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाई जाएगी, मतलब कि अब बच्चों पर कोई नई भाषा इम्पोज नहीं की जाएगी। अभी हम यह देखते हैं कि फ्रॉम वेरी अर्ली एज बच्चों पर इंग्लिश इम्पोज कर दी जाती है, जिसके कारण कई बच्चों को चीजों को समझने में काफी परेशानी होती है।
होती है। लेकिन नई पॉलिसी के अनुसार अब बच्चे अपनी लोकल या रीजनल लैंग्वेज में ही चीजों को सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि अब वह इंग्लिश नहीं सीखेंगे, अब वह इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के तौर पर सीखेंगे, लेकिन पहले की तरह इसे अब बच्चों पर इम्पोज नहीं किया जाएगा। प्रीपरेटरी स्टेज के बाद फिर 3 साल की मिडिल स्कूल होगी, जिसमें 11 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे मतलब की क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की पढ़ाई होगी। यहाँ अब वेरियस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करी जाएगी, जैसे साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, इन सब विषयों को पढ़ाया जाएगा और इनकी समझ डेवलप की जाएगी। अब क्लास 6 से ही कोडिंग सीखना मैंडेटरी कर दिया जाएगा, क्योंकि कोडिंग से मैथमेटिकल एबिलिटी और लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है और यह ऐसी चीज है जो फ्यूचर में भी काम आने वाली है। क्लास 6 टू क्लास 8 में अब एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग पर भी फोकस किया जाएगा। अब स्टूडेंट को क्लास 6 से ही वोकेशनल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप कराई जाएगी, जिसमें हर साल उन्हें 10 दिन का बेगलेस पीरियड करना होगा। मतलब अब बच्चे को अपने आसपास के जो लोकल क्राफ्ट पर्सन है या ट्रेड पर्सन है, वहां जाकर उन्हें 10 दिन का इंटर्नशिप करना है, चाहे वह लॉन्ड्री चलाता हो, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, जिसमें भी बच्चों को इंटरेस्ट है वह अब वहां से अटैचमेंट करके चीजों को सीख सकता है। इससे बच्चों में लोकल क्राफ्ट और ट्रेड की समझ विकसित होगी। मतलब कि अब पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में वोकेशनल स्किल्स की डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि आगे चलकर यह उनके काम आ सके और छोटी छोटी चीजों जैसे कि घर का बल्ब बदलना, छोटी मोटी वायरिंग या प्लम्बिंग जैसे कामों पर दूसरों पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। क्योंकि हम ऐसा देखते हैं कि लोग फिजिक्स तो पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें बल्ब बदलना या लगाना नहीं आता। तो अब पढ़ाई के साथ साथ हमारा प्रैक्टिकल स्किल्स भी डेवलप किया जाएगा। प्राइमरी के बाद अब जो 4 साल की सेकेंडरी स्टेज है, यहाँ पर 14 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को मतलब कि क्लास 9 टू क्लास 12 तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। पहले क्या होता था कि हम 10th क्लास के बाद स्पेशलाइजेशन में जाते थे, मतलब कि हमें साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स इनमें से किसी एक स्ट्रीम को चूज करना होता था। लेकिन अब क्लास 9 से ही स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर कोई बच्चा 11th में कॉमर्स की पढ़ाई करता था तो 9th और 10th की फिजिक्स, बायोलॉजी जैसे विषयों की पढ़ाई बर्बाद हो जाती थी, इनका कोई यूज नहीं होता था आगे की पढ़ाई में। लेकिन अब मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि अगर आप साइंस लेकर पढ़ रहे हैं और आपको आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पर भी इंटरेस्ट है, या आपको म्यूजिक या ड्रामा या ड्राइंग में भी इंटरेस्ट है, तो अब आप इन्हें माइनस सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ सकते हैं और अब इनके मार्क्स भी क्रेडिट के तौर पर आपके रिपोर्ट कार्ड में एड होंगे, यानी कि इस तरह की अदर सब्जेक्ट भी आपके करिकुलम का हिस्सा होंगे। तो अब डाइवर्सिटी आएगी, बच्चे अपने पसंद के सब्जेक्ट को चूज कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे। इससे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल और डिजाइन सेंस भी इम्प्रूव होगा। तो अब बच्चे अपने गोल के हिसाब से, पैशन के हिसाब से सब्जेक्ट चूज करेंगे और प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल पाएंगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम यह आएगी कि अगर बच्चा को पता ही नहीं है कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या करना है, उसके लिए क्या सही है, तो वह राइट सब्जेक्ट चूज नहीं कर पाएगा और चेंज नहीं आएगी। तो स्कूल्स और गवर्नमेंट को प्रॉपर काउंसलिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। और बिटवीन क्लास 9 टू 12 अब फॉरेन लैंग्वेजेस की भी पढ़ाई होगी, अब बच्चे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश जैसी भाषाओं को भी सीख पाएंगे। तो यहाँ सिर्फ पेडागोजिकल स्ट्रक्चर की बदलाव हुई है, इससे स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की एग्जाम्स अब सेमेस्टर के आधार पर होंगे, एक साल में अब 2 सेमेस्टर होंगे और एवरी 6 मंथ्स में एग्जामिनेशन होगी और 2 सेमेस्टर के मार्क्स को जोड़कर आपकी फाइनल मार्क्स तैयार की जाएगी। यानी अब आपको पूरे साल पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि पहले कई बच्चे केवल एग्जाम्स के टाइम ही पढ़ाई करते थे और पास भी हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एग्जाम्स को पास करने के लिए आपको पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब एक अच्छी बात यह है कि अब एग्जाम्स में एक्सपीरियंशियल बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बच्चों को आंसर को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब उनकी समझने की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा, अब रोट लर्निंग का कल्चर खत्म होगा। अब एग्जाम्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा और अब बोर्ड एग्जाम्स 2 बार होंगे। हमारा जो करिकुलम होगा उस पर ये खास करके ध्यान दिया गया है कि जो बच्चे का साइंटिफिक टेम्पर है, मैथमेटिकल थिंकिंग एबिलिटी है, वह इम्प्रूव हो। और इस पॉलिसी में रिकमेंडेशन है कि क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाए, क्योंकि कोडिंग से मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल थिंकिंग की शुरुआत होती है। तो अब 21st सेंचुरी के स्किल्स भी उनमें समावेश किए जाएंगे और उन्हें यह सिखाया जाएगा। अभी हमारे सिस्टम में जो एक रिजिड सेपरेशन है कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, अगर आप म्यूजिक सीखते हैं या डिबेटिंग करते हैं या पेंटिंग करते हैं, तो वह नॉन एकेडमिक है। लेकिन अब ये सारी चीजें हमारी करिकुलम का हिस्सा होगी, अब जो ये सारा सेपरेशन है वह हट जाएगा और इन्हें सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑन द सेम लेवल।
ऐसा पाया गया है कि 3-4% कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कुछ न कुछ यूनिक टैलेंट होता है। तो अब यूनिक टैलेंटेड गिफ्टेड और साथ ही जो डिफरेंशियली एबल चिल्ड्रेन है उनके लिए भी प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी और उनके लिए एक स्टडी इन्वायरमेंट और सिस्टम तैयार किया जाएगा, क्योंकि जो थोड़ा अच्छे बच्चे हैं उन्हें थोड़ी अच्छी एक्सपोजर की जरूरत होती है और जो थोड़ा डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे हैं उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। अब एक जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा जिससे खासकर गर्ल चाइल्ड के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। अभी जो हमारे देश में कस्तूरबा गांधी बालिका विकास विद्यालय है वह अभी क्लास 8 और कहीं कहीं क्लास 10 तक ही है, लेकिन अब उन्हें क्लास 12 तक हर एक जगह अपग्रेड किया जाएगा। अभी का जो हमारा करिकुलम है वह इतना हैवी है कि बच्चों के पास लाइफ स्किल, साइंटिफिक टेम्पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग जैसी चीजों को डेवलप करने का टाइम ही नहीं है। तो अब करिकुलम को एसेंशियल कंटेंट तक सीमित किया जाएगा ताकि बच्चों को समय मिल सके प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर फोकस करने के लिए और नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। हमने पहले भी इस विषय पर बात करी है कि अब क्लास 6 से ही बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग कर पाएंगे। अब उन्हें इंटर्नशिप भी करना होगा जिसमें उन्हें साल में 10 दिन का बैगलेस क्रिएट करना होगा। इस दौरान बच्चे अपने आसपास के क्राफ्ट पर्सन और स्किल पर्सन से नए स्किल्स सीख पाएंगे। अब तक क्या होता था कि हमारे रिपोर्ट्स कार्ड में एक तरफ सब्जेक्ट के नाम और उनके मार्क्स लिखे होते थे और एक तरफ रिमार्क्स के नाम पर टीचर्स यह लिखते थे कि आपका लड़का बात नहीं करता है, शांत रहता है, तो किसी रिमार्क्स में यह लिखा होता था कि आपका बच्चा क्लास में बदमाशी करता है, इस तरह के रिमार्क्स होते थे। लेकिन यहाँ पर अब होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है। इसमें 3 तरह के मूल्यांकन होंगे। एक तो बच्चा खुद अपना मूल्यांकन करेगा, दूसरा जो उसके क्लासमेट्स हैं वह उनका मूल्यांकन करेंगे और तीसरा उसके टीचर्स उनका मूल्यांकन करेंगे। और अब जब बच्चा 12th के बाद यानी 15 सालों के बाद स्कूल से निकलेगा तो उसके रिपोर्ट कार्ड में यह भी लिखा होगा कि उस बच्चे ने 12 सालों में कौन कौन सी स्किल्स सीखी है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जाएगी। अब एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया गया है जिसका नाम परख रखा गया है और इसका मतलब होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अभी हमारे देश में करीब 60 स्कूल बोर्ड्स हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स और गाइडलाइंस देने का भी काम यह करेगी ताकि हर एक स्कूल बोर्ड एक बेंचमार्क जो सेट किया गया है उसको अचीव कर सके, उस लेवल तक पहुंच सके। NTA मतलब जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वह हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को इंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाने के लिए ऑफर करेगी ताकि बच्चे एक कॉमन एग्जामिनेशन के माध्यम से स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सके। यह मैंडेटरी नहीं है, यह ऑफर किया जाएगा NTA की तरफ से। टीचर्स के लिए अब एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा। इसके तहत एक टीचर के क्या क्या रोल हैं, उनसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और उन्हें किस बेंचमार्क तक पहुंचना है इस पर एक स्टैंडर्ड तैयार की जाएगी और इसे NCERT और NCTE साथ मिलकर तैयार करेंगे और इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि बच्चों को बुक्स पढ़ने की आदत होनी चाहिए। यह पाया गया है कि अगर बच्चों में बचपन से ही बुक्स पढ़ने की आदत डेवलप नहीं की जाती है या फिर बुक्स पढ़ने की आदत छूट जाती है तो आगे चलकर उन्हें थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसे काउंटर करने के लिए बुक प्रमोशन पॉलिसी लाई गई है। तो अब क्लास 5 तक के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ने के लिए प्रमोट किया जाएगा। इस पॉलिसी में डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन बुक प्लेटफॉर्म्स पर भी फोकस किया गया है जिसके तहत अब करिकुलम से संबंधित और अन्य बुक्स भी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को अचीव करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि अब हर एक बच्चे को एजुकेशन सिस्टम से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है जिसे 2030 तक अचीव कर लेना है। अभी हमारे देश में लगभग 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो कोई सामाजिक परिस्थिति या फाइनेंशियल प्रॉब्लम या किसी अन्य कारणों की वजह से स्कूल नहीं जाते हैं। तो इस पॉलिसी में यह प्रोविजन रखा गया है कि अब हर बच्चे को एजुकेशन सिस्टम से जोड़ा जाए।
अब हर एक बच्चा जब वह अपने स्कूलिंग कंप्लीट करके निकलेगा तो कम से कम एक वोकेशनल स्किल हासिल करके ही निकलेगा जो उसे फ्यूचर में भी काम आएगी। तो अब हम यह कह सकते हैं कि आने वाले समयों में हमारे देश के वर्कर्स और लेबर्स भी काफी स्किल्ड होंगे। तो ये कुछ जरूरी बदलाव हैं जो इस नई पॉलिसी के अंतर्गत स्कूली शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर किया गया है। तो आइए अब हम इस पॉलिसी में किए गए उन बदलावों को भी जान लेते हैं जो हायर एजुकेशन से संबंधित है, मतलब कि जो 12वीं कक्षा के बाद की शिक्षा व्यवस्था से रिलेटेड है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हायर एजुकेशन सिस्टम में काफी बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। अब GER मतलब कि ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को 2035 तक बढ़ाकर 50% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो से मतलब है कि जितने बच्चे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में जा रहे हैं उनमें से 50% बच्चे हायर एजुकेशन में जाएं, यह लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल यह रेशियो अभी 26% के करीब है, जिसे 50% तक ले जाना एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। इस पॉलिसी में उन्होंने करीब 3.5 करोड़ न्यू सीट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एड करने का भी लक्ष्य रखा है और इन लक्ष्यों को अचीव करने के लिए कई सारी बातों पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि एजुकेशन को रिचेबल बनाना, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना मतलब कि अपने इंटरेस्ट के अनुसार अलग अलग विषयों की पढ़ाई कर पाना और संस्थानों द्वारा मनमानी फी लेने पर भी रोक लगाने जैसी कई सारी चीजें शामिल होंगी। हमारे देश में जो 3 गवर्निंग बॉडीज हैं UGC, AICTE और NCTE, इन तीनों को मिलाकर अब एक ही सिंगल बॉडी होगी HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, और इस सिंगल बॉडी के अंदर ही सारा एजुकेशन सिस्टम होगा, जिसके कारण अब चीजों को एग्जीक्यूट होने में पहले से ज्यादा आसानी होगी और मदद मिलेगी, क्योंकि तीनों जगह से किसी भी चीज का अप्रूवल लेने में काफी समय बर्बाद होता था। हालांकि इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन अब सब कुछ सिंगल बॉडी के अंदर होने के कारण जो फाइल मूविंग टाइमिंग होती है वह भी कम होगी और साथ ही अप्रूवल मिलने में भी आसानी होगी। पहले इसमें काफी समय लगता था। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही गई है और वह यह है कि इसके अंदर मेडिकल और लीगल एजुकेशन को शामिल नहीं किया गया है, उनको इससे अलग रखा गया है। मतलब कि इसमें 10+2 के बाद जो जनरल हायर एजुकेशन है, जैसे कि साइंस, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज, और साथ ही जो टेक्निकल एजुकेशन है लाइक इंजीनियरिंग, इन सभी को मर्ज किया गया है। MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम अब बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा, जो कि इस नाम को अर्थपूर्ण बनाता है और चरितार्थ भी करता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से यह समझ पाना थोड़ा मुश्किल था कि यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है। नया नाम इसे सरल और अर्थपूर्ण बनाता है। अब आप मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप मान लीजिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या फिजिक्स या कोई अदर डिसिप्लिन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब आपको यह लिबर्टी दी जाएगी कि अब आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार कोई और सब्जेक्ट भी पैरेलली पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है या ड्रामा आर्ट में इंटरेस्ट है, या फिर कोई बेकरी सीखना चाहता है या इस तरह की कोई अन्य विषयों को सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो अब वह ऐसा कर पाएंगे। पहले इन चीजों को एक्स्ट्रा करिकुलर या करिकुलर एक्टिविटी की तरह ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब इसे एक कोर्स की तरह माना जाएगा और इसके भी क्रेडिट्स होंगे और एग्जाम्स भी होंगे, जिसके स्कोर आपके रिपोर्ट कार्ड में भी मेंशन होंगे। इससे वैसे बच्चों जो आगे चलकर अपने हॉबी या इंटरेस्ट को एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं उन्हें भी काफी फायदा होगा। तो अब इंस्टीट्यूशंस को भी इसके लिए इक्विप किया जाएगा, जिससे कि वह मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर बन सके। इससे बच्चों को फायदा तो होगा ही कि अब वह अपने इंटरेस्ट की चीजों को भी सीख पाएंगे, वह भी बिना अपने एकेडमिक को नुकसान पहुंचाए, और साथ में इससे वैसे लोगों का भी फायदा होगा जो अपना खुद का म्यूजिक क्लास या आर्ट क्लास या फिर जो इस तरह की साइड बाय साइड बिजनेस चलाते हैं, अब वह भी मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम के कॉन्टेक्ट में आएंगे और इससे जुड़ पाएंगे। इस नई पॉलिसी में एक बहुत ही अच्छी बात ऐड करी गई है और वह है मल्टी एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम, मतलब कि अब आप कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान चाहे तो 1 वर्ष या 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप किसी कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते, या कई बार तो ऐसी पारिवारिक या सामाजिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, या फिर कई लोग आउटर प्रेशर की वजह से गलत कोर्सेज को चूज कर लेते हैं और ड्रॉप करना चाहते हैं, तो अब ऐसे लोगों को भी घबराने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि अब ऐसा करने पर भी आपका साल बर्बाद नहीं होगा और आप खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। अब आपने जितने भी साल पढ़ाई कर रखी है उनका भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और वह आपके डिजी लॉकर के क्रेडिट स्कोर में एड हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि आप अपने ग्रेजुएशन के दौरान एक साल के बाद किसी कारण की वजह से पढ़ाई बीच में ड्रॉप करना चाहते हैं, तो अब आपको एक साल की पढ़ाई के लिए भी सर्टिफिकेट दी जाएगी और आपके एक साल के क्रेडिट्स भी आपके डिजी लॉकर में एड हो जाएगी। और अगर आप दो साल के बाद ड्रॉप आउट करेंगे तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगी और आपके अब तक की क्रेडिट्स भी डिजी लॉकर में एड हो जाएंगे। और मान लीजिए अगर आप एक साल के ड्रॉप के बाद अपनी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अब आप थर्ड ईयर में फिर से एडमिशन ले सकते हैं और बाकी बचे कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आप फिक्स्ड टाइम पीरियड जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा उसके अंदर ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। और अब आपको 3 या 4 साल की पढ़ाई के बाद डिग्री दी जाएगी। मान लीजिए कि अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और उसे किसी कारणवश थर्ड ईयर में यानी कि 6th सेमेस्टर के बाद ड्रॉप आउट करना पड़ता है, तो पहले की तरह अब उसके इंजीनियरिंग के 3 साल बर्बाद नहीं होंगे। अब वह अपने ग्रेजुएशन के 3 साल के स्कोर्स और क्रेडिट्स की बेसिस पर बाद में भी अपना 4th ईयर की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। अब ग्रेजुएशन के 3 साल पूरे होने पर भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे पाएंगे या कहीं जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना कंपलसरी नहीं है। अब आपको 3 साल कंप्लीट होने पर भी ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी और आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री विथ रिसर्च चाहिए तो आपको 4 साल की पढ़ाई कंप्लीट करनी होगी और अब आपकी 4th वर्ष की पढ़ाई रिसर्च बेस्ड होगी। शायद इसलिए भी हो सकता है IIT बॉम्बे ने गेट 2021 से थर्ड ईयर के बच्चों को भी गेट एग्जाम देने की अनुमति दी है। अब अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स की, तो मैं आपको बता दूं कि जो मास्टर कोर्सेज हैं अब वह 1 साल अथवा 2 साल के होंगे। जैसे अगर कोई आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज का बच्चा PhD करना चाहता है तो उसे 3 साल का डिग्री कंप्लीट करने के बाद अब सिर्फ 1 साल का MA करना पड़ेगा और उसके बाद वह सीधे PhD कर सकता है। अब उसे MA के बाद MPhil करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो BTech के बच्चे हैं, अगर वह PhD करना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो अब वह सिर्फ 1 साल MTech करने के बाद ही डायरेक्ट PhD कर सकते रिसर्च पर जा सकते हैं। तो अब आपकी 1 साल की बचत होने वाली है। अभी जो हमारा करेंट पैटर्न है, अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो वह है 4+2 सिस्टम, मतलब कि 4 साल BTech, उसके बाद 2 साल का MTech और फिर बाद में आप PhD के लिए इनरोल हो सकते हैं। लेकिन अब जो सिस्टम होने जा रहा है उसमें BTech प्लस MTech केवल 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा और जो आगे रिसर्च करना चाहते हैं वह डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि अब वैसे बच्चे जो 3 ईयर बैचलर प्रोग्राम्स करेंगे उन्हें बाद में 2 ईयर्स का MTech प्रोग्राम करना पड़ेगा, जिसमें कि सेकेंड ईयर पूरी तरह से रिसर्च बेस्ट होगी। वहीं अगर कोई 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम विथ रिसर्च कंप्लीट कर लेता है तो उसे केवल 1 साल का ही मास्टर प्रोग्राम करना होगा। वैसे पहले भी इंजीनियरिंग फील्ड में 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड बैचलर्स एंड मास्टर प्रोग्राम्स होता था, जिससे हमारी 1 साल की बचत होती थी। लेकिन अब इसे सभी जगह इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो अब यह सिस्टम सभी में लागू होने वाली है, चाहे आप साइंस या आर्ट्स या इंजीनियरिंग फील्ड से हैं। और जो PhD करेंगे उनकी मास्टर्स की 1 साल बचने वाली है, तो अब MPhil करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। आइए अब हम यह जान लेते हैं कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है। तो दोस्तों, जिस तरह हम बैंक में सेविंग अकाउंट्स खोलते हैं और उसमें हम अपने पैसों को सुरक्षित रखते हैं, ठीक उसी प्रकार अब एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा जिसमें कि हमारे एकेडमिक क्रेडिट्स भी सेफ रहेंगे और आगे चलकर आप उन एकेडमिक क्रेडिट्स के बेसिस पर आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आपको किसी कारणवश 2 साल के बाद ही पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी तो जो आपके क्रेडिट्स हैं, स्कोर्स हैं, अब वह बर्बाद नहीं होंगे। अब वह आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डीजी लॉकर के माध्यम से एड हो जाएंगे, जिससे कि वैसे बच्चे जो ड्रॉप आउट करने के बाद फिर से अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहते हैं, अब वह अपने क्रेडिट स्कोर की मदद से ऐसा कर पाएंगे। नाउ ड्रॉपर्स हैव ऑप्शन टू कम बैक एंड कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन। अब USA की जो NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन है, उसके तर्ज पर अब हमारे देश में भी NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किया जाएगा। जिस प्रकार USA की NSF का टास्क होता है वहाँ पर पेटेंटिंग और रिसर्च जैसे कामों के लिए फाइनेंस या उसके लिए ट्रेनिंग देना, ठीक उसी प्रकार NRF अब हमारे देश में भी इस प्रकार के कामों को करेगा। बल्कि हमारा NRF USA की NSF से भी ज्यादा इम्प्रूव होगा, क्योंकि वहाँ पर यह केवल साइंस से
जुड़े विषयों तक ही सीमित है, लेकिन हमारा एनआरएफ में साइंस के साथ साथ सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, यह सब कुछ भी इंक्लूड रहेगा। तो अब हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम एनआरएफ के कंट्रोल में भी होगा, खास करके रिसर्च से जुड़े क्षेत्रों को यह कंट्रोल करेगी। तो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में रिसर्च पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, जो कि 21वीं सदी की जरूरत भी है। हमारे देश में ऐसे हजारों कॉलेजेस हैं जो कि किसी न किसी बड़ी यूनिवर्सिटीज से एफिलिएटेड हैं या किसी स्टेट यूनिवर्सिटीज से एफिलिएटेड हैं। एफिलिएशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई इंजीनियरिंग या फिर कोई डिग्री कॉलेज है, वह जिस भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगा वह उसका डायरेक्टिंग बॉडी होगा, मतलब कि वहां से एग्जाम्स, एकेडमिक्स और फाइनेंस कंट्रोल होगा। तो ऐसे लगभग 45,000 कॉलेजेस हमारे देश में हैं जो किसी न किसी बड़े यूनिवर्सिटीज जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो अब इस नई नीति के तहत एफिलिएशन सिस्टम को धीरे धीरे 15 सालों के अंदर खत्म करना है और सभी कॉलेजेस को ऑटोनोमस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कॉलेजेस को ऑटोनोमस बनाने के लिए अब सभी कॉलेजेस की ग्रेडिंग की जाएगी, जिन्हें A, A+, B इस तरह के कैटेगरीज में बांटा जाएगा और नीचे की कैटेगरीज वाले कॉलेजेस को यह निर्देश दिए जाएंगे कि वह अपने आप को अपग्रेड करे और ऊपर की कैटेगरीज में आने की कोशिश करे। अब ग्रेडिंग सिस्टम की वजह से कॉलेजेस को खुद को अपग्रेड करने और अच्छा दर्शन करने की प्रोत्साहन मिलेगी। अगर हमें बच्चों को अच्छी तरह शिक्षित करना है तो हमारे शिक्षकों को भी अच्छी तरह ट्रेंड करना होगा और इसलिए अब नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग के तहत अब क्वालिटी टीचर्स तैयार किए जाएंगे। अब उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी और हमारे टीचर्स कैपेबल होंगे इंडिया के बच्चों को एक नए लेवल पे, एक नए मुकाम पर पहुंचाने में। क्योंकि अगर हमारे टीचर्स या गाइड ट्रेंड होंगे और अपने फील्ड के एक्सपर्ट होंगे तो हमारा विषय के प्रति इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और साथ ही कॉन्सेप्ट भी मजबूत होगा। अब टीचर्स के लिए भी एक्रेडिशन सिस्टम होगा, ग्रेडिंग सिस्टम होगा। अब उन्हें भी उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर इवेलुएट किया जाएगा ताकि वह और अच्छा परफॉर्म कर सके। इसे 2023 तक इंप्लीमेंट करने का लक्ष्य रखा गया है। आपने यह देखा होगा कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, नियम होते हैं। जैसे कि IITs के अलग नॉर्म्स हैं, इसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के भी अपने अलग अलग नॉर्म्स हैं, नियम हैं। इन सभी शिक्षण संस्थानों के सिस्टम, पढ़ाई के करिकुलम्स अलग अलग हैं, इनका सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम्स भी अलग अलग है। लेकिन अब इन शिक्षण संस्थानों का एक कॉमन नॉर्म्स होगा, सभी के करिकुलम्स और स्टैंडर्ड्स एक समान होंगे। कोठारी कमीशन ने 1964 में यह कहा था कि अगर इंडिया को डेवलप करना है तो हमें 6% ऑफ GDP एजुकेशन को एलोकेट करना होगा, नहीं तो यह देश काफी पीछे रह जाएगी बाकी के विकसित देशों से। लेकिन इंडिया का दुर्भाग्य यह रहा है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक हमने अपने एजुकेशन पर किसी भी बजट में GDP का 6% खर्च नहीं किया है। वहीं अगर हम विकसित देशों जैसे कि USA, जर्मनी, फिनलैंड, जापान को देखें तो पाएंगे कि यह देश अपने एजुकेशन पे काफी पैसे खर्च करते हैं और फिलहाल हमारा एजुकेशन सिस्टम के आगे कहीं नहीं टिकी है। लेकिन अब काफी वर्षों के बाद मौजूदा गवर्नमेंट ने GDP का 6% एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने का मन बना लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इससे यहाँ की एजुकेशन सिस्टम को अब ग्लोबल स्टैंडर्ड के बराबर पहुँचने में बहुत मदद मिलेगी। जैसा कि हमने अभी बात करी कि हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम फिलहाल बाकी के डेवलप्ड कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम से काफी पीछे है, तो अब हमारे एजुकेशन की लेवल को बराबरी पर लाने के लिए काफी सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं और यह ध्यान रखा गया है कि आने वाले समय में फैसिलिटीज की कमी के कारण यहाँ के बच्चों को बाहर के देशों में जाना ना पड़े, बल्कि यहाँ की फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी एंड लेवल ऑफ एजुकेशन को इतना विकसित किया जाए कि विदेश के बच्चे भी यहाँ आकर पढ़ाई करें। हालांकि इस लक्ष्य को जमीनी तौर पर इम्प्लीमेंट कर पाना काफी चैलेंजिंग है, लेकिन अब इसके लिए हमारी सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि पूरे विश्व भर में हमारे देश भारत में बेस्ट ब्रेन्स पाए जाते हैं। यहाँ के लोग काफी टैलेंटेड हैं, लेकिन बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की, संसाधन की, फैसिलिटीज की और गवर्नमेंट सपोर्ट की। और एक अच्छी बात यह है कि अब वर्ल्ड के टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज भी हमारे देश में अपने कैंपसेस खोल पाएंगे, जिससे कि यहाँ के स्टूडेंट्स को काफी फायदा होगा।
अब समय आ गया है कि हमारा देश आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट बने, हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। इसलिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रिसर्च वर्क पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि इनोवेशन और रिसर्च के माध्यम से ही नई टेक्नोलॉजी आती है, विकसित हो पाती है। अब हमारे देश में ही छात्रों को अच्छी रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज मिल पाएगी। अभी क्या होता है कि अधिकतर इंडियंस रिसर्च के लिए एब्रोड चले जाते हैं, और इसका मुख्य कारण हमारे देश में रिसर्च के लिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च एनवायरमेंट का ना होना है। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए इस नई पॉलिसी में यह कोशिश की गई है कि आने वाले सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रिसर्च के लिए एनवायरमेंट और फैसिलिटीज भी डेवलप किया जाए। यह बहुत ही अच्छी बात है कि अब ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स जो होते थे उन्हें भी प्रमोट किया जाएगा और उन्हें अब और एडवांस किया जाएगा। वैसे बच्चे जो किसी कारणवश पढ़ाई के लिए बड़े शहरों में या संस्थानों में नहीं जा पाते थे, या पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं या फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अब वह डिस्टेंस लर्निंग और ओपन स्कूल के माध्यम से घर पर ही पढ़ाई कर पाएंगे। वैसे अभी भी इग्नू के थ्रू ये सब होता है, लेकिन अब इस तरह के और भी प्लेटफॉर्म्स और यूनिवर्सिटीज आएंगे और इसमें नई कोर्सेज भी एड होंगी। इस पॉलिसी में इस तरह की ओपन यूनिवर्सिटीज की डिग्री की भी वैल्यू बढ़ाने की बात कही गई है, और अब इन वर्चुअल यूनिवर्सिटीज को और एडवांस किया जाएगा ताकि बच्चे घर बैठे ही पढ़ाई कर सकें। हमारे देश में जितने भी भारतीय भाषाएं हैं उनकी संरक्षण, विकास और जीवंतता को सुनिश्चित करने के लिए अब एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI की स्थापना होगी। हमारी जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, मतलब जो हमारी हेरिटेज है, हमारी धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, क्लासिकल लैंग्वेजेज है, साइंटिफिक लैंग्वेजेज है, ट्रेडिशनल आर्ट्स है, इन सभी को प्रमोट करना है, आगे ले जाना है। अब आप किसी भी राज्य में रहकर भी दूसरे राज्यों के कल्चर, आर्ट्स, ट्रेडिशंस को जान पाएंगे और भी पाएंगे। अब ये सब उसी राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, अब स्कूल्स और विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। संस्कृत के विश्वविद्यालयों में अलग अलग विषयों की पढ़ाई भी संस्कृत में कराई जाएगी। अभी विश्व के कई देशों में भी संस्कृत भाषा को पढ़ाई जाती है। अब IITs की शिक्षा व्यवस्था को भी पहले से ज्यादा समग्र बनाया जाएगा, और अब इन उच्च शिक्षण संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के विषय भी पढ़ाए जाएंगे। इससे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के छात्र विज्ञान की जानकारियों का इस्तेमाल दूसरे क्षेत्रों में अपने स्किल्स को बेहतर करने के लिए पाएंगे। साथ ही संगीत, कला और साहित्य को देश के हर कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। अब नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम यानी NETF के रूप में एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाएगी, जिससे कि हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से लर्निंग को कैसे इन्हेंस करना है, कैसे मूल्यांकन या असेसमेंट करना है, कैसे प्लानिंग या योजना बनानी है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कार्यों को करना है, इन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जो कि इन सब कार्यों में मदद करेगी। अब टेक्नोलॉजी के साथ सभी लेवल्स की एजुकेशन की तालमेल बैठाकर क्लासरूम्स की प्रक्रियाओं में भी सुधार किया जाएगा। यह टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट में सपोर्ट करेगी और साथ ही शिक्षा की पहुंच डिसएडवांटेज्ड ग्रुप तक पहुंचाएगी। अब दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर भी डेवलप किए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में भी टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। अब साथ ही टेक्नोलॉजी की मदद से ई कंटेंट भी क्षेत्रीय भाषाओं यानी कि रीजनल लैंग्वेजेज में प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि उसे समझने में आसानी होगी। इस नई पॉलिसी के अनुसार अब हमारे देश में जगह जगह पर वर्चुअल लैब्स भी सेटअप किए जाएंगे, यानी कि वैसे एक्सपेरिमेंट्स या प्रैक्टिकल्स जो आप आमतौर पर अपने स्कूल्स या कॉलेजेस में नहीं कर पाते हैं, वह आप अब इन वर्चुअल लैब्स की मदद से कर पाएंगे। आजकल आपने देखा होगा कि कार ड्राइविंग, यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट की पायलट तक की भी ट्रेनिंग वर्चुअली हो रही है। इसमें सॉफ्टवेयर और सम फिजिकल अरेंजमेंट की मदद से आपको बिल्कुल वैसा ही एनवायरमेंट मिलता है जैसा कि एक रियल एयरक्राफ्ट के अंदर होता है। इससे पायलट्स को फ्लाइंग सीखने में काफी मदद होती है। तो अब इस तरह के वर्चुअल लैब्स एक बड़े मात्रा में बनाए जाएंगे, जहां आप विभिन्न प्रकार के रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे और एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे, सीख पाएंगे। इससे वैसे कॉलेजेज या स्कूल्स को बहुत फायदा होगा जिनके पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या वर्चुअल लैब्स की व्यवस्था नहीं है। अब ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेज इनके साथ टाई अप करके अपने बच्चों को यह सुविधा दिला पाएंगे। अब टेक्नोलॉजी के फील्ड में पब्लिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट को भी अलाउ किया गया है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है तो वह अब पब्लिक पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, मतलब कि अब वह किसी थर्ड पार्टी से इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होते हैं और जो वर्चुअल लैब्स होते हैं वह बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए यहां पब्लिक पार्टिसिपेशन की भी मंजूरी दी गई है। मैंने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड मैनर में एजुकेशन पॉलिसी 2020
गारंटी को कवर करने की कोशिश की है और इससे स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर भी चर्चा की है। अगर आप इस पॉलिसी में किए बदलावों को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, टीचर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। और अगर आपका कोई कमेंट या सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।